हमारे भगवान ने पांच प्रकार का दान बताया है, अभय दान, सुपात्र दान, उचित दान, अनुकंपा दान और कीर्ति दान। आप देख रहे हैं मातृगौरव, मैं हूँ व्यास कुमार। मैं इस वक्त मीरा रोड के वोकार्ड हॉस्पिटल में हूँ, जहाँ पर अंग दान को लेकर विभिन्न प्रकार के धर्म गुरुओं के द्वारा जनता को संदेश देने के लिए पत्रकारों के माध्यम से हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए। वैसे आठ प्रकार के अंग दान होते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, फेफड़े है, आँखें है, इस प्रकार से हमारे शरीर के जो आठ अंग है उन आठ अंगों को हम दान दे सकते हैं। लेकिन सामान्यतया ऐसा देखा जाता है कि कई बार हम हमारे अंग दान जो करते हैं, चाहे लीवर हो चाहे किडनी हो, तो उसमें धर्म आड़े आता है। बहुत से लोगों का ऐसा मत रहता है कि पता नहीं हमारी किडनी या हमारा लीवर कौन से धर्म वालों को हम दे रहे हैं। इस प्रकार से लोगों की मानसिकता में ऐसा बदलाव आने के कारण, यानी लोगों में जन जागृति कम होने के कारण कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर विभिन्न गुरु, धर्म गुरु सामने आए हैं और उन्होंने जनता से अपील की है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जीवन बहुत छोटा है, पता नहीं कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए, परंतु आपकी मौत के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जिंदगी मिले तो उसकी शेष बची हुई जिंदगी सुधर सकती है। इसलिए अंगदान करना जरूरी है। भारत में अंगदान करने वालों की कमी के कारण प्रतिवर्ष 5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों की यदि माने तो प्रतिवर्ष 1,75,000 किडनी और 50,000 लीवर, हार्ट और फेफड़ों की जरूरत रहती है। लोगों में अंगदान को लेकर जागरूकता आए, इस क्रम में मीरा रोड की वोकार्ड हॉस्पिटल में जैन धर्म गुरु वज्र तिलक जी महाराज, बुद्ध धर्म गुरु बत्से काश्यप जी महाराज, ईसाई धर्म गुरु फादर एडवर्ड महाराज, ब्रह्मा कुमारी की दीदी शोभा तथा पंडित नारायण गौतम की उपस्थिति में अंगदान को लेकर एक परिषद का आयोजन किया गया, जहां सभी धर्म गुरुओं ने जाति धर्म से ऊपर उठकर नागरिकों को अंग दान कर लोगों की जिंदगी बचाने का संदेश दिया। इस अवसर पर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट डॉक्टर पुनीत भुवानिया, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रकाश तेजवानी, डॉक्टर आशुतोष बघेल तथा अखिलेश टांडगर व हॉस्पिटल हेड डॉक्टर पंकज दमीजा भी उपस्थित थे। प्रतिवर्ष 50,000 से अधिक किडनी फेल्योर मरीजों को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, जबकि 5,000 लोगों से भी कम लोगों को लाइव कैडेवर दान के माध्यम से किडनी ट्रांसप्लांट प्राप्त होता है। कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट डॉक्टर पुनीत पुवानिया ने कहा कि वाकखर्ट किडनी ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट में हम विश्वास करते हैं। यह अभियान निश्चित ही अंगदान को लेकर लोगों की मानसिकता बदलेगा व अंगदान हेतु उन्हें प्रेरित करेगा। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति के अंगदान से 8 लोगों की जिंदगियां संवर सकती है। एक व्यक्ति अधिकतम 8 अंगदान कर सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि लोगों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से हम धर्म गुरुओं के साथ मिलकर काम करने वाले हैं तथा समाज के प्रमुख लोगों को इस अभियान से जोड़ना हमारा मुख्य उद्देश्य है। दृष्टि के साथ मैं व्यास कुमार। इस विषय को लेकर हमने जैन धर्म गुरु वज्र तिलक जी महाराज से बात की, उन्होंने क्या कहा सुनिए। अंगदान को लेकर यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अंगदान को लेकर आप क्या कहेंगे एज ए धर्म गुरु? हमारे भगवान ने 5 प्रकार का दान बताया है, अभय दान, सुपात्र दान, उचित दान, अनुकंपा दान और कीर्ति दान। वो 5 दान में सबसे बड़ा दान जो है, वे 2 दान है वो मोक्ष को देने वाला है और तीसरा 3 दान है वो संसार को देने वाला है। तो संसार और पूरे संसार को तरना है, संसार से पार होना है, तो आप दूसरे को अपना
उचित अंग दान करने से आपको जन्मों जन्म तक सुरक्षा और अभयदान की प्राप्ति होती रहेगी, ऐसा हमारे परमात्मा कहते हैं।